वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हमने स्पिनोजा को डिस्कस करना है। देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने रेने डेकार्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें माइंड बॉडी डुअलिज्म डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जरूर जाके देखें, क्योंकि ये डिबेट वहां से स्टार्ट हुई है माइंड बॉडी की। रेने डेकार्ट्स के मुताबिक माइंड और बॉडी अलग अलग रियलिटीज हैं। अब स्पिनोजा इसी डिबेट को कंटिन्यू करता है और थॉट और एक्सटेंशन के हवाले से क्या कहना चाहता है उसको डिस्कस करेंगे। देखें, यहां पे जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको जरा सुने, फिर जब मैं ये बैकग्राउंड पढ़ाऊंगा तो इस बैकग्राउंड में हम जो जो चीजें पढ़ेंगे उसका कंट्रास्ट करेंगे इसके साथ, फिर आपको स्पिनोजा की फिलॉसफी समझ आएगी। देखें, सबसे पहले लिखा है मोनिज्म, पैरेलल एट्रीब्यूट्स, मोड्स, पैंथिज्म। ठीक, अब आए हल्का सा रिकैप करते हैं, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को माइंड बॉडी डुअलिज्म में कंफ्यूजन है रेने डेकार्ट्स के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जरूर जाके उस वीडियो को देखें। यहां पे मैं सिर्फ हल्का सा रिकैप करता हूं और यहां पे रिलेट करता हूं उसकी बातों को। देखें, डेकार्ट्स बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, जहां से ये डिबेट स्टार्ट हुई है माइंड बॉडी प्रॉब्लम की। डेकार्ट्स हर चीज के ऊपर सोचता था, शक करता था, तो शक करते करते इतना आगे निकल गया कि अपनी एग्जिस्टेंस पे उसने शक किया। फिर एंड पे जाके उसे एक चीज पता चली, जो कि डुअलिज्म की फिलॉसफी थी। कि रेने डेकार्ट्स कहता था कि एक इंसान, बड़े आसान अल्फाज में समझाता हूं, बड़े आसान अल्फाज में, कि एक इंसान, अपनी एग्जांपल लो या मुझे देखो, कि एक इंसान दो रियलिटीज से मिलके बना है। एक रियलिटी उसका माइंड है और दूसरी रियलिटी उसकी बॉडी है। पहली रियलिटी माइंड क्यों है? इसलिए क्योंकि माइंड की जो एट्रीब्यूट है वो थिंकिंग है, माइंड का एट्रीब्यूट, और माइंड इमटीरियल होता है। ठीक, जिसकी वजह से वो स्पेस के अंदर एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो ये पहली रियलिटी हो गई। आप मानते हो ना आपके अंदर माइंड है? मैं भी मानता हूं। हम चीजें सोचते हैं या नहीं सोचते? हम चीजों को सोचते हैं, चीजों के ऊपर शक भी करते हैं, हम चीजों के ऊपर थिंकिंग भी करते हैं। तो वो एट्रीब्यूट थिंकिंग का किसका है? माइंड का है। लेकिन माइंड तो इमटीरियल है, तो रेने डेकार्ट्स की बात तो ठीक है कि वो एक्सटेंड नहीं करता। तो फिर ये इंसान का जो जिस्म है, मेरी जो ये बॉडी है, रेने डेकार्ट्स के मुताबिक कि ये फिर एक अलग रियलिटी है। किस तरह? वो कहते हैं कि बॉडी के जो एट्रीब्यूट है वो एक्सटेंशन है, कि वो स्पेस और टाइम के अंदर एक्सटेंड करती है। और अगर वो एक्सटेंड कर रही है, इट मींस कि वो मटीरियल है। माइंड इमटीरियल था और एक्सटेंड नहीं करता था, बॉडी मटीरियल है इसलिए वो स्पेस और टाइम के अंदर एक्सटेंड करती है। तो बॉडी अलग रियलिटी है। तो अगर आसान अल्फाज में इसको समझा जाए, बिल्कुल आसान अल्फाज में, तो रेने डेकार्ट्स के मुताबिक एक ह्यूमन बीइंग दो रियलिटीज से मिलके बनता है। एक उसका माइंड होता है, दूसरी उसकी बॉडी होती है। माइंड का एट्रीब्यूट होता है थॉट, बॉडी का एट्रीब्यूट होता है एक्सटेंशन। और ये माइंड और बॉडी दोनों इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं, दोनों सेपरेट हैं, अलग हैं, इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं, लेकिन ये इंटरेक्ट करते हैं। वो मैंने उस पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, वहां से फिर देख ले, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो डेकार्ट्स के मुताबिक डुअलिज्म है, डुअल रियलिटीज हैं, माइंड एक अलग रियलिटी है, बॉडी एक अलग रियलिटी है। ठीक, यहां तक बात समझ आई? अब पहले पॉइंट के साथ इसको कंपेयर करो, जो स्पिनोजा की बात है, क्योंकि ये डिबेट रेने डेकार्ट्स से स्टार्ट हुई। रेने डेकार्ट्स के मुताबिक दो रियलिटीज हैं। स्पिनोजा कहता है कि नहीं, मोनिज्म है, एक रियलिटी है। रेने डेकार्ट्स दो रियलिटीज को मान रहा है, माइंड को अलग रियलिटी मानता है, बॉडी को अलग रियलिटी मानता है। क्यों इनको अलग रियलिटी मानता है? क्योंकि माइंड के फीचर्स अलग हैं, बॉडी के फीचर्स अलग हैं। माइंड इमटीरियल है और थिंकिंग करता है, बॉडी मटीरियल है और दुनिया के अंदर एक्सटेंड करती है। इसकी वजह से मैं एक इंसान आपको नजर आ रहा हूं, मेरे अंदर ये दोनों रियलिटीज हैं, बॉडी भी है, माइंड भी है। स्पिनोजा कहता है कि नहीं, रियलिटी सिर्फ एक है, मोनिज्म है। वो क्या है उसको डिस्कस करेंगे। फिर आगे देखें, रेने डेकार्ट्स कहता था कि माइंड और बॉडी अलग अलग इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं। माइंड का एट्रीब्यूट है थॉट, बॉडी का एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन, लेकिन ये दोनों रियलिटीज गॉड के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये दोनों रियलिटीज, माइंड और बॉडी, गॉड के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और रेने डेकार्ट्स का जो गॉड है ये ट्रांसेंडेंटल है। रेने डेकार्ट्स का गॉड इस दुनिया से बाहर है। अब इसको कंपेयर करो स्पिनोजा के साथ। स्पिनोजा कहता है कि पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि उसने पहली बात की मोनिज्म की,
कि रियलिटी सिर्फ एक है और पैरेलल एट्रीब्यूट्स है, कि उसी रियलिटी के पैरेलल एट्रीब्यूट्स है। स्पिनोजा कहता है गॉड अकेली एक रियलिटी है और इसी के दो एट्रीब्यूट्स हैं, पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं, थॉट और एक्सटेंशन। रियलिटी सिर्फ एक है और वो रियलिटी गॉड है और उसी के ये दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं, थॉट और एक्सटेंशन। समझ आई? मोनिज्म प्लस पैरेलल एट्रीब्यूट्स। अब आगे देखो, स्पिनोजा कहता है कि दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं, हमें बिलीफ डिजायर्स नजर आती हैं, शेप साइज ये चीजें नजर आती हैं, तो ये असल में इन्हीं के फर्दर मोड्स हैं, इन दो एट्रीब्यूट्स, इन दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स के फर्दर मोड्स हैं। ठीक है, इन दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स के फर्दर मोड्स हैं। यहां तक बात समझ आए? आगे देखो, पैंथीज्म। रेने डेकार्ट्स का गॉड ट्रांसेंडेंटल था, इस दुनिया से बाहर था। रेने डेकार्ट्स ये कहता था कि माइंड और बॉडी डिपेंड करते हैं गॉड के ऊपर, लेकिन आपस में इंडिपेंडेंट हैं। और इसका जो गॉड है रेने डेकार्ट्स का, वो ट्रांसेंडेंटल था, इस दुनिया से बाहर। स्पिनोजा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, गॉड इमिनेंट है। स्पिनोजा पैंथीज्म का कंसेप्ट लाता है। सिंपल अल्फाज में अभी यहां से समझ लो, पढ़ेंगे तो स्पिनोजा ये कहता है कि हम सब गॉड के अंदर हैं, वी आर इनसाइड गॉड। ये पूरी यूनिवर्स गॉड के अंदर है, कैसे है वो डिस्कस करेंगे। तो पैंथीज्म का कंसेप्ट स्पिनोजा लाता है। ठीक, यहां तक बात समझे? तो बैकग्राउंड में आखिरी पॉइंट देखो, माइंड एंड बॉडी आर इंडिपेंडेंट बट बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन गॉड। रेने डेकार्ट्स का ये मानना था, दोनों इंडिपेंडेंट हैं लेकिन गॉड के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्पिनोजा रिजेक्ट्स डुअलिज्म। प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। देखे, स्पिनोजा रिजेक्ट कर देता है डुअलिज्म को, कि रेने डेकार्ट्स कहता है डुअल रियलिटीज हैं, डुअल रियलिटीज हैं, माइंड अलग रियलिटी है, बॉडी अलग रियलिटी है, माइंड का एट्रीब्यूट है थॉट, बॉडी का एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन। स्पिनोजा इसको रिजेक्ट करता है। किस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर रहा है? कि इफ माइंड एंड बॉडी आर डिपेंडेंट अपॉन गॉड, दे कैन नॉट बी सब्सटेंसेस। रेने डेकार्ट्स ने खुद कहा है कि माइंड और बॉडी आपस में तो सेपरेट और इंडिपेंडेंट है, लेकिन यही माइंड और बॉडी गॉड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्पिनोजा कहता है कि फिर इनको हम सब्सटेंसेस नहीं कह सकते। क्यों? वजह क्या है? फिलॉसफी के अंदर सब्सटेंस, ये जो वर्ड है ना, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। सब्सटेंस कहते हैं ऐसी बीइंग जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो, किसी के ऊपर उसे डिपेंड ना करना पड़े, इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो। तो रेने, ये जो स्पिनोजा है वो कहता है कि जो रेने डेकार्ट्स बात कर रहा है कि माइंड और बॉडी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन साथ ही साथ वो गॉड के ऊपर डिपेंडेंट भी है। तो इट मींस जब माइंड और बॉडी डिपेंडेंट हो गए तो फिर उनको हम सब्सटेंसेस नहीं कह सकते। सब्सटेंस की जो वेरी बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि इंडिपेंडेंट होना। तो स्पिनोजा कहते हैं कि सब्सटेंस क्या है? दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ये होता है सब्सटेंस, कि जो किसी और के ऊपर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो, उसको हम सब्सटेंस कह सकते हैं। अब इसने डुअलिज्म को रिजेक्ट किया, अपना आर्ग्यूमेंट दिया, और आर्ग्यूमेंट किस चीज का दिया? सब्सटेंस का। समझ आई बात की? सब्सटेंस का आर्ग्यूमेंट दिया। उसने कहा कि माइंड और बॉडी, इन दोनों को आप सब्सटेंस कह ही नहीं सकते, ये दो अलग रियलिटीज हो ही नहीं सकती। ठीक, क्यों नहीं हो सकती? इसलिए क्योंकि रेने डेकार्ट्स खुद कह रहा है कि ये दोनों डिपेंडेंट हैं गॉड के ऊपर, और सब्सटेंस की वेरी बेसिक डेफिनेशन यही है कि वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। आप समझ आई बात की? तो स्पिनोजा जो बात करता है वो कहता है कि गॉड है, गौर से सुनो, गॉड है और उसी गॉड के दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं, थॉट और एक्सटेंशन, और फिर इन पैरेलल एट्रीब्यूट्स की फर्दर डिविजन्स हैं। थॉट की डिवीजन क्या है? बिलीफ है, डिजायर्स है। एक्सटेंशन की फर्दर डिवीजन क्या है? शेप है, साइज है। तो ये जो फर्दर डिवीजन्स आपको नजर आ रही हैं, दीज आर द मोड्स ऑफ दीज टू पैरेलल एट्रीब्यूट्स, इन दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स के फर्दर मोड्स हैं। समझ आई? तो देखो,
स्पिनोजा के मुताबिक सिर्फ एक रियलिटी है, मोनिज्म है, गॉड। ओनली सब्सटेंस है गॉड, मोनिज्म। कि सिर्फ एक ही रियलिटी है और वो रियलिटी एक ही सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस गॉड है। और फिर उसके बाद ये जो थॉट और एक्सटेंशन है ना, जो रेने डेकार्ट्स ने एक डिबेट स्टार्ट की हुई है थॉट और एक्सटेंशन की। थॉट को रेने डेकार्ट्स माइंड के साथ रिलेट करता है, एक्सटेंशन को बॉडी के साथ रिलेट करता है। स्पिनोजा कहता है ये इस तरह की बात नहीं है, ये थॉट और एक्सटेंशन दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के। फिर दुनिया के अंदर जब हमें बिलीफ, डिजायर, शेप, साइज नजर आते हैं, तो ये इन्हीं दो एट्रीब्यूट्स की फर्दर डिविजन्स हैं, जिन्हें स्पिनोजा मोड्स कहता है। थॉट की फर्दर डिविजन क्या है? बिलीफ और डिजायर्स। तो ये क्या है? मोड्स ऑफ थॉट है, मोड्स ऑफ थॉट। एक्सटेंशन की फर्दर डिविजन्स क्या है? शेप, साइज। ये क्या है? ये मोड्स हैं किसके? एक्सटेंशन के। ओनली वन सब्सटेंस गॉड, टू पैरेलल एट्रीब्यूट्स ऑफ सेम सब्सटेंस। ये जो थॉट और एक्सटेंशन है, ये दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं इसी एक सब्सटेंस के। और फिर उसके बाद जो फर्दर हमें डिविजन्स नजर आती हैं, थॉट के अंदर हमें फर्दर बिलीफ डिजायर्स नजर आते हैं, एक्सटेंशन के अंदर हमें शेप साइज नजर आता है। दीज आर एक्चुअली मोड्स ऑफ दीज टू एट्रीब्यूट्स। ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, इनके ये फर्दर मोड्स हैं। यहां तक बात समझ आई? अब यहां तक तो बात क्लियर होती है। देखो, माइंड इज द एक्सप्रेशन ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड एंड मैटर इज द अनलिमिटेड एक्सटेंशन ऑफ गॉड। अब स्पिनोजा पैनथीज्म की तरफ जा रहा है कि सब कुछ गॉड है। माइंड क्या है स्पिनोजा के मुताबिक? क्योंकि माइंड को उसने डायरेक्ट रिलेट किया हुआ है गॉड के साथ थॉट के थ्रू। ये देखो थॉट क्या है, ये दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के। तो कह रहे जितना भी माइंड है, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। जितना भी ये थॉट है, जितना भी ये थॉट है, ये सारा किसका एक्सप्रेशन है? इनफाइनाइट एक्सप्रेशन है गॉड का। और जितना भी मैटर है दुनिया के अंदर, वो अनलिमिटेड एक्सटेंशन है गॉड का, अनलिमिटेड एक्सटेंशन है गॉड का। यानी गॉड से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ गॉड के अंदर है। ये स्पिनोजा कहता है और यही पैनथीज्म की फिलॉसफी है। ठीक, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गॉड। स्पिनोजा कहता है कि जो कुछ इस दुनिया में है, जो भी है, चाहे इंसान आपको नजर आ रहे हैं, चाहे पौधे नजर आ रहे हैं, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स नजर आ रही हैं, ये सब कुछ मॉडिफिकेशन है गॉड का। ठीक, तो यहां से स्पिनोजा पैनथीज्म को इंट्रोड्यूस करता है अपनी फिलॉसफी के अंदर, क्योंकि स्पिनोजा का जो गॉड है ये पैनथीस्टिक नेचर रखता है कि गॉड इज इमिनेंट एंड नॉट ट्रांसेंडेंट। जिस तरह रेने डेकार्ट्स कहता था कि गॉड ट्रांसेंडेंट है, इस दुनिया से बाहर है, लेकिन स्पिनोजा कहता है कि गॉड ट्रांसेंडेंट नहीं है बल्कि इमिनेंट है, दुनिया के अंदर हर चीज के अंदर मौजूद है। ठीक, एवरीथिंग इज इनसाइड गॉड एंड नथिंग इज आउटसाइड द गॉड। हर चीज गॉड के अंदर है और कोई भी चीज गॉड से बाहर नहीं है, हर चीज गॉड के अंदर है। ठीक, ऑल इज गॉड, सब कुछ गॉड है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या कहना चाह रहा है स्पिनोजा, किस तरह का गॉड है? इसके मुताबिक कि सब कुछ गॉड है, हम गॉड के अंदर हैं, गॉड से बाहर कुछ नहीं है, और जो कुछ इंसान, पौधे, पत्थर, जो कुछ है, ये सब कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ गॉड है। तो किस तरह का गॉड है स्पिनोजा का? स्पिनोजा उसको आइडेंटिफाई करता है अपने गॉड को नेचर के साथ, कि स्पिनोजा आइडेंटिफाइड गॉड एज नेचर एंड नेचर एज गॉड। ये जो नेचर है ना, स्पिनोजा के मुताबिक यही गॉड है। ठीक, और हम इसी नेचर का हिस्सा है, इट मींस कि हम गॉड का एक पार्ट है, ये नेचर ही गॉड है। अब इस बात पे स्पिनोजा पे बड़ा क्रिटिसिज्म आया था, इवन कि उसकी जान के पीछे लोग पड़ गए थे, तो फिर वो भाग गया था नीदरलैंड से जब उसने ये बात की थी कि नेचर इज गॉड। ठीक, तो फिर लोग बड़ा उस पर एतराज किया था इस बात पर कि आप किस तरह की बात कर रहे हो कि हम गॉड के अंदर हैं और यही सब कुछ गॉड की मॉडिफिकेशन है जो कुछ हमें दुनिया में नजर आ रहा है। तो नेचर को उसने गॉड कह दिया, तो इस बात पे फिर स्पिनोजा को वहां से भागना भी पड़ा,
लोग उसके पीछे पड़ गए थे कि यार आपने तो हमारे गॉड की बेहुरमती की है। ठीक, समझ आई बात की? यहां तक क्लियर है? अब इस पे कुछ क्रिटिसिज्म है, वो मैं लिख देता हूं, इसको इरेज करके उसको देख ले। जी तो देखें, सबसे पहला क्रिटिसिज्म आता है, डज नॉट रिकॉग्नाइज द रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। कि स्पिनोजा ने तो सब कुछ थॉट एक्सटेंशन सब कुछ गॉड को दे दिया, के सब कुछ क्या है, थॉट एक्सटेंशन, ये दोनों पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के, सब कुछ गॉड को दे दिया, तो जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। हम इंडिविजुअल रह रहे हैं ना इस दुनिया में, हमारा भी माइंड है, हमारी बॉडी भी एक्सटेंड करती है, तो ये हमारा माइंड और हमारी बॉडी की जो एक्सटेंशन है, हमारे माइंड की जो थॉट है, इसके बारे में स्पिनोजा का कोई ख्याल नहीं है, कोई उसके बारे में उसने बात नहीं की। उसने सिर्फ ये कहा कि थॉट और एक्सटेंशन दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के, और दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ गॉड के अंदर है। विच मीन्स कि अगर मैं हूं, अगर स्पिनोजा की बात मानी जाए, तो अगर मैं हूं तो मैं गॉड के अंदर हूं। ठीक, मेरी जो थॉट है वो गॉड की थॉट से मिलती है, मेरी जो एक्सटेंशन है बॉडी की वो भी मॉडिफिकेशन है गॉड की एक्सटेंशन की। ठीक, तो ये जो ही डज नॉट रिकॉग्नाइज द रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये पहला क्रिटिसिज्म आता है। ठीक, दूसरी बात, इफ एवरीथिंग हैपेंस एज अ मैटर ऑफ नेसेसिटी देन देयर इज नो इंडिविजुअल फ्रीडम। अगर स्पिनोजा की हम बात मान लें कि भाई गॉड के दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं थॉट और एक्सटेंशन, ठीक, और फिर दुनिया के अंदर जो भी फर्दर डिविजन्स हैं, हमें शेप नजर आता है, साइज नजर आता है, आपको वकास की बॉडी नजर आती है, वकास की थॉट आपको नजर आती है, ये सब कुछ मोड्स हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ गॉड्स टू पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं, तो फिर यहां पे तो सब कुछ एक नेसेसिटी के साथ हो रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम तो है ही नहीं। इट मींस कि मैं जो कुछ सोच रहा हूं ये उसी जो गॉड की थॉट है उसका जो एट्रीब्यूट है, उसकी जो गॉड का एट्रीब्यूट है थॉट, जो मेरी थॉट है, मैं जो कुछ सोच रहा हूं वो उसी की मॉडिफिकेशन है, मोड एक, तो फिर तो कोई इंडिविजुअल फ्रीडम है ही नहीं, सब कुछ नेसेसिटी के थ्रू हो रहा है। ठीक, तीसरी बात देखो, आइडिया ऑफ सब्सटेंस एज बोथ एक्सटेंडेड एंड अनएक्सटेंडेड बीइंग लीड्स टू कंट्राडिक्शंस। तीसरा क्रिटिसिज्म कि भाई आपने कहा कि ओनली सब्सटेंस गॉड है, सिर्फ एक सब्सटेंस है, इंडिपेंडेंट है, वो गॉड है, और थॉट और एक्सटेंशन उसके दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं, तो फिर ये क्रिटिसिज्म आता है कि गॉड एट द सेम टाइम मटीरियल भी है, एट द सेम टाइम मटीरियल भी है, और एट द सेम टाइम इमटीरियल भी है, क्योंकि थॉट तो इमटीरियल होती है, और अगर वो एक्सटेंड कर रहा है तो इट मींस वो मटीरियल है, तो फिर एक एक बीइंग के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर दोनों चीजों का कहना कि एक एक टाइम पे आप कह रहे हो कि वो मटीरियल है क्योंकि वो एक्सटेंड करता है, और इमटीरियल भी है क्योंकि थॉट है, तो फिर तो कंट्राडिक्शन आती है ना, कि एक बीइंग एट द सेम टाइम मटीरियल भी है और इमटीरियल भी है, कैसे? ठीक, तो ये एक क्रिटिसिज्म इस पे आया। मजीद अब यहां तक आप लोगों को स्पिनोजा का समझ आया, अब लाइबनीज करेंगे, इसी डिबेट की एक्सटेंशन है लाइबनीज। ठीक, उसको भी देखते हैं, मोनाडोलॉजी। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।